जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। और आज हम एमएस वर्ड में सीखेंगे बायोडाटा क्रिएट करना, यानी टेबल के द्वारा हम कैसे अपना बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। इसको हम सीखेंगे एक इजी वे में। दोस्तों, सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू पे आएंगे और यहाँ पर हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2x1 2x1 दो कॉलम और एक रो। इसी तरह से हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कॉलम आपको लेने हैं, जितनी भी रोज लेनी है, यहाँ पर बढ़ती जाएंगी। इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद सबसे फर्स्ट रो को हम यहाँ पर, जैसा ब्लैक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके मर्ज कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल मर्ज हो गई है। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बायो डेटा, टैब का यूज करेंगे, नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, टैब का यूज करेंगे, यहाँ पे हम जो भी नाम होगा डाल देंगे, ऐसा ही फादर। टैब करते जाएंगे आप नेक्स्ट सेल में पहुंचते जाएंगे। इसी तरह से मदर नेम या जितनी भी इंपॉर्टेंट बायोडाटा में क्या होता है, नेम, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट क्या है, फेस कलर क्या है, सारी चीज़ों को हम इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, मदर मिसेस रेखा देवी। इसी तरह से DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हो उसको हम इसमें हम मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद हाइट, हाइट जितना भी हो आपका 160 सेंटीमीटर। फेस कलर क्या है तो ये हम यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी कि गोरा, जो भी फेस कलर हो। और इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है या इंटर पास है, जो भी चीज़ आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, टेबल पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस, जैसा कि यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे प्लस बना हुआ है, इससे हम टेबल को कहीं पर मूव करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम दाएं बाएं इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे आप, एरो छोटा सा पॉइंट बन के आता है, इसे हम टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ये बीच वाले रो को यहाँ पे क्लिक करके हम साइड में कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू पे आके यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे। फिर यहीं डिजाइन पे आके सेटिंग पे, जैसा भी आप सेटिंग देना चाहते हैं वैसा सेटिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉन्ट कलर जो भी आप देना चाहते हैं, फॉन्ट कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर देंगे। और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हम एरियल ब्लैक लेते हैं। अब यहाँ पे नेम वाली हेडिंग को हम यहाँ से ब्लैक पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, जो भी कलर यहाँ पे हम यूज़ करना चाहें यूज कर सकते हैं, बोल्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपकी डिटेल है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, साइज और कलर जो भी देना चाहेंगे हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। अब जैसे हम चाहते हैं साइड में हम यहाँ पे फोटो अपना लगा दें, तो इसके लिए इंसर्ट पे आकर सेव पे आकर यहाँ बॉक्स पे क्लिक करके फोटो यहाँ पर हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर आप फोटो चाहते हैं इसमें इंसर्ट हो जाए तो राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट ऑटो सेव पे आएंगे, फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर, यानी यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी पिक्चर होगी उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यानी बायोडाटा साथ में आपका साइड में फोटो, इसको हम ऐसे अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अगर और अच्छी स्टाइल आप चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पे आकर यहाँ पर ढेर सारे डिजाइन दी गई हैं, जो भी डिजाइन देना चाहेंगे उस डिजाइन में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और टैब का यूज़ करते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट रो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोई भी हमें न्यू रो लानी है, एक टैब का यूज़ करेंगे, न्यू रो यहाँ पर आ जाती है। और जो भी अपनी संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।
और आप सभी लोग इसका अच्छे से यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे से टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।